नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। ये एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं आपके हेल्थ के प्रति। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगी कि स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, ये क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो अगर आपके बच्चे को स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया की प्रॉब्लम है तो इस वीडियो से आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि ये प्रॉब्लम के वजह से आपके बच्चे को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। तो अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट है तो जरूर से मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया का मतलब है कि जो बच्चा है वो अपनी पूरी बॉडी को एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाता अपने ब्रेन डैमेज की वजह से। ये सेरिब्रल पाल्सी का सबसे ज्यादा सिवियरेस्ट फॉर्म ऑफ पैथोलॉजी या प्रॉब्लम कह सकते हैं, जिसमें बच्चे के ओवरऑल मूवमेंट्स, इंडिपेंडेंस या यूज ऑफ बॉडी जो है ये अफेक्ट होती है, जिसके वजह से हाथ, आर्म्स, पैर और जो स्पाइन होता है ये पूरा फिजिकली ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता। अगर हम इसके कारणों की बात करें कि ये आखिर क्यों होता है, तो अक्सर ये हमारा जो ब्रेन है इसमें चोट लगने की वजह से होता है। ये जो चोट जो ब्रेन में लगती है ये तो प्रीमेच्योर बर्थ के वजह से हो सकता है, या फिर बच्चा जब गर्भाशय में है तब अगर इन्फेक्शन हो जाता है तब हो सकता है, अगर मदर को किसी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके वजह से हो सकता है, या अगर बच्चे का एक्सपोजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई टॉक्सिन्स जैसे एक्सरे की जो रेज होती है ऐसी चीजों से होता है, या बहुत ज्यादा शराब पीते हैं अगर मदर तो, या कोई और एसिडिक चीज बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड या पॉइजनिंग जैसे अगर हो गया है ऐसा कुछ होता है तब होता है, और कई बार मेडिकल निगलिजेंस के वजह से भी ये हो सकता है। इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर या बर्थ रिलेटेड और एक डिसऑर्डर होता है जहाँ पे लीजन्स हो जाते हैं या छोटे छोटे छेद हो जाते हैं जो हमारे ब्रेन का व्हाइट मैटर होता है उसमें। ये तब होता है जब बच्चा गर्भ में ही है, अधिकतर जो हमारा 5 से 7 महीने का जो ड्यूरेशन होता है ये समय में जो व्हाइट मैटर है ये बहुत ही प्रोन होता है डैमेज के लिए, उस समय हो जाता है जिसके वजह से बच्चे को एक क्वाड्रिप्लेजिक सीपी हो सकता है। अगर बच्चे को फीटल स्ट्रोक आया है तो, या फिर बर्थ के बाद या जन्म के बाद अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है ब्रेन में या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है ब्रेन में उसके वजह से भी स्पास्टिक सीपी हो सकता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो जो मसल्स होते हैं, जो मांसपेशियां होती है ये बहुत ही ज्यादा कड़क होती है और इसीलिए इन प्रॉब्लम को स्पास्टिक डायप्लेजिया भी या क्वाड्रिप्लेजिया भी कहा जाता है, क्योंकि जो मसल्स है ना इसमें टेंशन बहुत ज्यादा होता है और इसके वजह से जो मसल है वो बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं या एकदम ही उसी पोजीशन में कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं। इसके अलावा जो जॉइंट्स होते हैं वो बहुत ही फ्रीली मूव नहीं कर पाते, हिल नहीं पाते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा जब स्पास्टिसिटी होती है तो टाइटनेस बढ़ने लगती है और ये टाइटनेस के वजह से बच्चे की जो इंडिपेंडेंस लेवल है वो अफेक्ट होती है। कई बार ट्रेमर्स यानी शेक करता है बच्चे का पैर या हाथ, ये भी इसमें होता है। इसके अलावा बच्चे को चलने में, फिजिकल एक्टिविटीज करने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है, सांस लेने में भी कई बार दिक्कत होती है, कई बच्चों को फिट आते हैं बार बार, और बच्चे के कई बच्चों का जो मेंटल एबिलिटी है वो भी अफेक्टेड रहती है। तो दोस्तों, मैंने जो अभी आपको दिखाया वो थे सिम्टम्स, लेकिन इन सिम्टम्स या इन दिक्कतों की वजह से जो दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है उसको कहते हैं कॉम्प्लिकेशंस या सेकेंडरी इम्पेयरमेंट्स। सो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन सेरिब्रल पाल्सी का होता है वो होता है डिफॉर्मिटीज, जब बच्चा ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाता है और एक ही पोजीशन में उसका हाथ या पैर मुड़ा हुआ रहता है तो ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्चर का फॉर्म ले लेती है, जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर का फॉर्म ले लेती है या फिर डिफॉर्मिटी का फॉर्म ले लेती है। मतलब कि वो जो जॉइंट है या जो बॉडी का एरिया है वो गलत पोजीशन में ही फिक्स हो जाता है और वो ठीक नहीं हो पाता, तब सर्जरी की मदद भी हमें कई बार लेनी पड़ सकती है। तो ये डिफॉर्मिटीज और कॉन्ट्रैक्चर एक बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन है सेरिब्रल पाल्सी का। स्कोलियोसिस है, एंकल फुट डिफॉर्मिटी है, नी बेंडिंग डिफॉर्मिटी, ये कुछ कॉमन डिफॉर्मिटीज है, और जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स के वजह से कई बार जो बच्चा है उसका हिप भी हमेशा बेंड पोजिशन में रहता है, सीधा नहीं कर पाता। जब बच्चे को आप सीधा खड़ा करते हैं तो उसके पैर मुड़े हुए रहते हैं,
तो ये सारा जो है ये जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर के वजह से होता है। इसके अलावा जब बच्चे की ब्रीदिंग ठीक नहीं है, वो ठीक से खाना नहीं चबा पा रहा है, उसके वजह से मेल न्यूट्रिशन बहुत आसानी से हो जाता है और बच्चे को जितना स्ट्रेंथ मसल्स के लिए चाहिए न्यूट्रिशन परस्पेक्टिव से वो उसे नहीं मिल पाता। इसके अलावा कई बच्चों में फिट आते हैं, कई बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, कई बच्चों को इनकॉन्टिनेंस की दिक्कत होती है, मतलब कि बच्चे को यूरिन कंट्रोल नहीं रह पाता। तो ये कुछ सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ही आसानी से डेवलप हो जाते हैं सेरेब्रल पाल्सी सिनेरियो में। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो अधिकतर इसका डायग्नोसिस पहले साल यानी जन्म के बाद के पहले साल में हो जाता है या दूसरे साल तक के तो हो ही जाता है, जब डॉक्टर और पेरेंट दोनों ही बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ही सिग्निफिकेंट डिले अगर एक्सपीरियंस करते हैं तो। इसके वजह से रेगुलर चेकअप या फिर रेगुलर एग्जामिनेशन के बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है ये करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब बच्चे की हिस्ट्री, बर्थ हिस्ट्री या प्रीनेटल हिस्ट्री या पोस्टनेटल हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम्स रही हो तो ये चेकअप और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स कुछ टेस्ट करते हैं बच्चों की, जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, ईईजी, ईएमजी, इन सारे टेस्ट की मदद से ये पता किया जा सकता है कि ब्रेन के किस हिस्से में डैमेज हुआ है और उसके वजह से मसल्स पे क्या इफेक्ट हो सकता है। तो ये डायग्नोसिस करने के बाद ही कोई भी डॉक्टर इस कंक्लूजन पे आते हैं कि बच्चा स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिक है या नहीं। और दोस्तों फाइनली अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो पहले तो ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि जो ब्रेन की चोट होती है, आज तक की किसी भी तरीके के ब्रेन की चोट की 100% क्योर करने वाली दवाई नहीं आई है। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ही किया जाता है, अगर इन्फेक्शन बेस्ड अगर कुछ है तब जाके उसके लिए एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती है। लेकिन ब्रेन में अगर आपको हाइपोक्सिया या ब्रेन डैमेज के वजह से अगर सेरिब्रल पाल्सी हुआ है तो ऐसी कोई मेडिसिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक के नहीं बाहर आई जो सेरिब्रल पाल्सी को कम्प्लीटली 100% क्योर कर सके। लेकिन एट द सेम टाइम जो ट्रीटमेंट है इसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ट्रीटमेंट को बंद कर देते हैं या नहीं करते हैं तो बच्चे की जो एबिलिटीज़ है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाती, बच्चा फिर लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंट रह जाता है और जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा तो डिपेंडेंसी बढ़ने लगती है, तो वो एज एन पेरेंट आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। जब भी बच्चे को टाइम टू टाइम अगर थेरेपी नहीं मिलती है तो रिलैप्स या रिग्रेशन होना शुरू हो जाता है और इसीलिए थेरेपी या ट्रीटमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अधिकतर सेरेब्रल पाल्सी मैनेजमेंट में एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच का यूज़ किया जाता है, मतलब कि डॉक्टर्स, सर्जन्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ये सारे लोग मिल के फिर बच्चे का ट्रीटमेंट करते हैं और हर एक स्पेशलिस्ट अपनी एक्सपर्टीज की मदद से बच्चे को मदद करने की कोशिश करता है। तो जैसे मैंने कहा कि ट्रीटमेंट जो है वो बच्चे की क्या सिम्टम्स है, क्या सिवियरिटी ऑफ स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया है उस पर डिपेंड करती है। तो अगर हम मेडिसिन की बात करें तो डेफिनेटली कुछ मेडिसिन जो मसल रिलैक्सेंट होते हैं उसका यूज़ किया जाता है, बोटॉक्स का यूज़ किया जाता है मसल्स को रिड्यूस या उसके टोन को कम करने के लिए, और कई बार अगर कॉन्ट्रैक्चर या डिफॉर्मिटी बन गई है तो सर्जरी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम थेरेपी की बात करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है थेरेपी का तो वो है बच्चे को उसकी डे टू डे लाइफ में जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट या सक्षम बना पाना, वो होता है काम थेरेपिस्ट का। तो अगर हम फिजियोथेरेपी की बात करते हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होता है फिजिकल इंडिपेंडेंस या फिजिकल मोबिलिटी को इम्प्रूव करना, बच्चे की बैठने की क्षमता, चलने की क्षमता, खड़े रहने की क्षमता, इसको हम कैसे बनाए रखें इसके बारे में हमें धीरे धीरे काम करना पड़ता है। और इसीलिए जो एक्सरसाइजेज है या जो ट्रीटमेंट है ये बेसिकली एक्सरसाइज फोकस्ड होती है और ये जो एक्सरसाइजेज है ये बेसिकली बच्चे की इंडिपेंडेंस या मूवमेंट्स को बेहतर बनाने के लिए होता है। तो अधिकतर फिजिकल एक्सरसाइजेस, पोजिशनिंग ट्रेनिंग, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज, न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी, इन सारी मेथड्स की मदद से बच्चे की मदद की जाती है। इसके अलावा अगर हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात करें तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का जो रोल होता है वो बच्चे के जो डे टू डे फाइन टास्क होते हैं जैसे लिखना है, खाना है, कोई चीज़ को पकड़ना है, ऐसे टास्क में फोकस करता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। और उसकी वजह से हैंड थेरेपी, सेंसर इंटीग्रेशन और लर्निंग टेक्निक्स, ये सारी चीज़ों पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट फोकस करता है।
स्पीच थेरेपी का भी इस्तेमाल किया जाता है जब बच्चे के आर्टिकुलेशन या स्पीच एबिलिटी में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए असिस्टिव कोऑर्डिनेशन आर्टिकुलेशन एक्सरसाइजेस की मदद से बच्चे को उसके डेवलपमेंट में मदद करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा ऑर्थोटिक्स है, मतलब बेल्ट्स है, कैलिपर्स है, व्हील चेयर्स है, ये सारी चीज़ों का असिस्टेंट कई बार लगता है बच्चे को ताकि बच्चा मैक्सिमम वे में इंडिपेंडेंट हो सके। तो दोस्तों ये एक ब्रीफ वीडियो था जहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है इसको समझने में, आप अगर हमारे साथ कुछ और आगे डिस्कस करना चाहते हैं, अपने बच्चे का जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हो हमारे साथ। हम सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये एक चार्जेबल वीडियो कंसल्टेशन होता है। द रीजन बीइंग वी वांट टू वैल्यू आर टाइम, योर टाइम, एवरीबॉडीज टाइम, और इसलिए इसका एक मिनिमल चार्ज हमने रखा है जिससे हम भी वैल्यू आपको बहुत अच्छे से दे पाए। तो आशा करती हूँ ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा पाई कि स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट में क्या फोकस किया जाता है। इसी नोट पे इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।